शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, दुनिया में यूँ तो हज़ारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया बदलने के लिए पैदा होते हैं। मार्क ज़करबर्ग भी एक ऐसा ही नाम है जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जहाँ पहुँचना एक आम इंसान के लिए ख्वाब जैसा है। आज का हर नौजवान फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग जैसा बनना चाहता है। मार्क ज़करबर्ग 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। मार्क को बचपन से ही प्रोग्रामिंग का शौक़ था। इसने प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ अपने वालिद से बेसिक प्रोग्रामिंग भी सीखी। मार्क इस कदर ज़हीन था कि इसके प्रोग्रामिंग के मुतलक सवाल के जवाब इसके वालिद के पास भी नहीं होते थे। इसी सिलसिले में इसके वालिद ने इसके लिए कंप्यूटर टीचर रखा जो रोज़ इसे प्रोग्रामिंग पढ़ाता था। मार्क जब 12 साल की उम्र में पहुँचा तो इसने एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उसने ज़क नेट रखा। मार्क के डेंटिस्ट वालद इसको अपने क्लिनिक में यूज़ करते थे, जिससे कमरे में आकर चिल्लाए बगैर नेक्स्ट पेशेंट को वेलकम करके डॉक्टर से मिलने का मैसेज मिल जाता था। मार्क ने अपने हाई स्कूल में ऐसा इंटेलिजेंट म्यूजिक प्लेयर बनाया जिसमें MP3 फाइल की लिस्ट बन जाती थी और इसमें अपने आप यूज़र की एक्टिविटी से वही लिस्ट बनती थी जो यूज़र अभी सुनना चाहता है। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे गेम्स खेलते हैं, मार्क इस उम्र में गेमें बनाता था। इसके बाद इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ पर भी इसकी प्रोग्रामिंग की जहानत को देखते हुए लड़के और लड़कियाँ इसे प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बोलते थे। मार्क ने फेस मैच के नाम से एक वेबसाइट बनाई जिसमें दो लड़कियों का आपस में मुवाजना किया जाता था कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, इसमें दिलचस्प बात यह कि तस्वीरें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लड़कियों की थी जो कि इसने हार्वर्ड की वेबसाइट को हैक करके निकाली थी जो कि उस वक्त की बेस्ट वेबसाइट थी। लेकिन जल्द ही वो वेबसाइट यूनिवर्सिटी वालों ने बंद करवा दी क्योंकि उसमें इजाज़त के बगैर तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे मार्क को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका इरादा शुरू से ही कुछ बड़ा करने का था। जनवरी 2004 को इसने नई वेबसाइट यानी द फेसबुक के लिए प्रोग्रामिंग शुरू कर दी जो 4 फरवरी 2004 को लॉन्च हुई। 2004 में ही मार्क ने अपनी पढ़ाई को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ पालो आल्टो शिफ्ट हो गए। आगे चलकर उन्होंने एक ऑफिस भी ले लिया। इसी दौरान उसकी वेबसाइट फेसबुक काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हो गई जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनियों ने फेसबुक को खरीदने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने सबको इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि फेसबुक आगे जाकर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी। आगे जाकर मार्क की बनाई हुई फेसबुक काफ़ी पॉपुलर हो गई। जैसे जैसे इसके यूज़र बढ़ते गए वैसे वैसे इसके फीचर भी बढ़ते गए। जुलाई 2010 तक इसके 500 मिलियन यूज़र हो गए थे जो कि अपने आप में कमाल की बात थी। इसके 2 साल बाद यानी 2012 को फेसबुक के 1 बिलियन यूज़र हो गए थे और 2015 को मार्क दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी बन गया। आप उसकी दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो अकेला ही पाकिस्तान के 80% कर्जे उतार सकता है। तो दोस्तों, बात यह है कि कोई काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन वो नामुमकिन नहीं हो सकता। इसी से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।